अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने वाला हूं जी इस वीडियो में 200 वाट के एम्पलीफायर को। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल जो एम्पलीफायर है दोस्तों आज हमने इस वीडियो में तैयार किया है। तो बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छी जो है चीज़ें हमने इसके अंदर लगाई हैं, क्योंकि इसकी जो है ए टू जेड दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह आप इसको खुद बना सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस इसकी जो है कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएं तो इंशाल्लाह आप खुद भी इसको खुद घर में बना सकते हैं। तो अगर आप खुद घर में इसको बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इस एम्पलीफायर को किस तरह बनाया गया, क्योंकि जो एम्पलीफायर दोस्तों टोटल 200 वाट का एम्पलीफायर है दोस्तों। इस एम्पलीफायर के जरिए आप मैक्सिमम जो है 200 वाट तक का, 300 वाट तक का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो किट है सामान वो भी बहुत अच्छा लगाया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप मैक्सिमम 6 इंच से लेकर 10 इंच तक का स्पीकर आराम से चला सकते हैं, जो कि फिलो कंपनी के मिलते हैं या और भी कंपनियों के होते हैं अच्छे स्पीकर, वो भी चला सकते हैं। और ये जो साउंड है, इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है इस एम्पलीफायर को बनाने की आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, और भी दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं एम्पलीफायर को बनाना। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मुकम्मल 200 वाट का एक अच्छा एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारा जो है सामान यहाँ पर मौजूद है, जिसके ज़रिए हमने एम्पलीफायर को रेडी करना है। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा कि क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत पड़ सकती है एम्पलीफायर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये बॉडी है, तो बॉडी की ज़रूरत है जिसके अंदर एक MP3 ब्लूटूथ MP3 की जगह हो, वॉल्यूम की 3 जगह हो, बटन की हो, उसके बाद ऑक्स लीड लगाने की जगह हो, उसके बाद इसकी जो उसके बाद जो इसकी बैक साइड है यहाँ पर दोस्तों आउटपुट की पोर्ट हो और एक AC लीड की वायर हो। तो अब मैं आपको टोटली सामान दे सकते, काफ़ी सारा इसके अंदर अवेलेबल पड़ा है, जो कि मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, तो अभी आप देख सकते हैं मैं जो है ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि है 6 एम्पेयर का, जो कि है 25x25 ही जो ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में सारा सामान जो है मिल जाएगा ट्रांसफार्मर समेत। तो टोटल सामान आप चाहें तो लाजला परचेज करके भी खुद बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, और उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत है जी 2 कैपेसिटर्स की। तो एक्स्ट्रा तौर पर हम 2 कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 कैपेसिटर मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों। ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये 50 वोल्ट 6800 UF का है, उसको हमने यूज़ करना है, बहुत अच्छा कैपेसिटर है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इससे। तो एक हमने ये इस्तेमाल करना, 2 हमने ये इस्तेमाल करना दोस्तों। उसके बाद हमें एक जो है दोस्तों बेस ट्यून की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हमने इसकी ट्रबल बेस और वॉल्यूम को अलग अलग करना है। तो उसके लिए हमें ये मुकम्मल यानी कि प्री एम्पलीफायर का आप कह सकते हैं इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो ये जो है मुकम्मल जो है 3 वॉल्यूम में रेडी है। उसके बाद भी एक और 2 किस्म की मेरे पास अवेलेबल है, तो इनको भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, ये छोटी साइज़ में है तो ये भी 2 अवेलेबल हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा एक सर्किट, जो कि है 200 वाट का, ये आप देख सकते हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मुकम्मल D1047 का मुकम्मल 200 वाट का सर्किट। तो इसके अंदर हमने कुछ आर्टिशन करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी है, जिससे जो है हमारी साउंड क्वालिटी में और अच्छा इजाफा हो जाएगा। तो हमने ये जो है सर्किट फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चाहें तो बाय कर लें। तो ये मुकम्मल किट जो है हमने यूज़ करनी है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत है जी एक ब्रिज PCB की, तो ये एक ब्रिज PCB है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अलहदा तौर पर तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अलहदा ब्रिज बनाना चाहते हैं तो ये एक ब्रिज की PCB है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एक ब्लूटूथ MP3 की ज़रूरत है, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास है जी एक ब्लूटूथ MP3, इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका। उसके बाद कुछ वॉल्यूम्स की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा एक और बेस टोन है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों को 2 आउटपुट्स की जो पोर्ट्स हैं इनको हमने इस्तेमाल करना है, तो ये भी हम स्पीकर के आउटपुट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम यूज़ करें। उसके बाद एक LFE की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए जो है हमने मुकम्मल वायरिंग करनी है। उस पर कुछ नॉब्स की ज़रूरत है, तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ नॉब्स हैं, इसको हमने इस्तेमाल करना है फिटिंग के दौरान। उसके बाद एक रेगुलेटर की ज़रूरत है, जो कि है 7805, इसको हमने यूज़ करना है।
तो उसके बाद जो ब्लूटूथ था उसके सारे मोड आता है, और ये आप बॉडी देख सकते हैं मैं खाली हो चुकी है, तो ये है जिसकी बॉडी। तो चलिए जी करते हैं इसकी फिटिंग शुरू, ताकि मैं आपको तरतीब से बताऊँ किस तरह आपने फिट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये काम करना है हमने जो है इस MP3 को फिट कर लेना है। तो ये जो है ब्लूटूथ MP3 हम इसको फिट कर लेते हैं अपने इस बॉडी के अंदर। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं अच्छी तरह MP3 फिट कर ली है। उसके बाद अब हमने फिटिंग करना है यहाँ पर बटन और वॉल्यूम्स को। तो लीजिए जी भी आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है हमारे वॉल्यूम तीनों के तीनों यहाँ पर देख सकते हैं लग चुके हैं जी। अब हमने ये काम करना दोस्तों, अब हमने जो है यहाँ पर बटन फिट कर लेते हैं। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं हमने जो है वॉल्यूम भी फिट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर बटन भी फिट कर लिया है। तो अब हमने ये काम करना है कि अपने सर्किट वगैरह की फिटिंग कर लेते हैं, बाकी जो है हमसे चीज़ें बाद में फिट करेंगे। तो सबसे पहले अभी ये काम करना है हम जो अपना ट्रांसफार्मर फिट कर लेते हैं, फिर हम बाकी सामान फिट करेंगे। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर फिट हो चुका है। उसके बाद फिट करना है हमने अपना एम्पलीफायर बोर्ड। तो ये आप देख सकते हैं ये है जी हमारा एम्पलीफायर बोर्ड, तो इसको फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं इसकी जगह, फिर इससे करेंगे फिट। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं सर्किट की मुकम्मल जो जगह है वो बन चुकी है, हमारा सर्किट आराम से इसके ऊपर आराम से फिट हो सकता है। तो सर्किट को करेंगे बाद में फिट, सबसे पहले अब ये काम कर रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट पोर्ट्स हैं वो भी कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि बाद में फिर हम इसकी वायरिंग करना शुरू करें। लीजिए जी आप देख सकते हैं आउटपुट पोर्ट्स भी कनेक्ट हो चुकी हैं। तो अब ये काम करना है कि सबसे पहले हम इसकी जो बेस ट्यून है इसकी भी फिटिंग कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये है जी हमारे पास बेस ट्यून, तो मैं इसको फिट करने लगा हूँ। तो इसको हमने यहाँ पर फिट कर लेना है। तो सबसे पहले फिटिंग के लिए हमें इस पर इसके पास जगह बनानी होगी, फिर हम इसको करेंगे इसके साथ फिट। दोस्तों फिट करने के लिए मैं करने लगा हूँ इसके अंदर दो होल, ताकि ये जो है हमारे नट बोल्ट्स के ऊपर आराम से खड़ी हो जाए। तो इसके लिए मुझे करने होंगे इसके अंदर दो होल जगह देख के, ताकि ये आराम से जो है कहीं से शॉर्ट भी ना हो। तो एक सुराख मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पर। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं बेस ट्यून भी फिट हो चुकी है। उसके बाद अब ये काम करना है, अब ये काम करना है कि हमने जो है ब्रिज को फिट कर लेना है। तो ब्रिज को फिट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये ब्रिज की PCB होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम फिटिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें दो कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इन कैपेसिटर्स को इसके अंदर फिट कर लेता हूँ, फिर हम करते हैं ब्रिज की फिटिंग। तो दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसके साथ अच्छी तरह कैपेसिटर जोड़ दिया है, केबल टाई भी लगा दी ताकि कैपेसिटर हमारे हिले नहीं। और उसके बाद ये काम करना है जो हमने जो है इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेनी है, ताकि जो हमारे कैपेसिटर्स हैं वो अच्छी तरह इसके साथ जुड़ जाएं। तो सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों मैं मेरे PCB के ऊपर अपने सोल्डरिंग आयरन से इसके ऊपर सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो लीजिए सोल्डरिंग हो चुकी है। उसके बाद ये काम करना है हमने इसके अंदर जो है दो डायोड एक्स्ट्रा लगाने हैं, इसके अंदर चार डायोड दोस्तों एक्स्ट्रा लगाने हैं, ताकि हमारी जो है ब्रिज यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाए।
तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं हमने जो है इसके साथ यहाँ पर डायोड्स दो लगा लिए हैं। इसके बाद अपने साथ पे यहाँ पर कैपेसिटर लगा देना है, क्योंकि हमें 12 वोल्ट की सप्लाई भी चाहिए होती है अपने फ्री फायर में। तो इसके लिए हमने ये काम करना है कि यहाँ पर हमने अपना जो है दोस्तों लगाना है जी 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए कैपेसिटर, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 1000 UF 50 वोल्ट में। तो ये कैपेसिटर भी आपको आम मार्केट से आराम से मिल जाएगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर ले लगा हूँ इसके साथ। दोस्तों चलिए अब हम इसकी भी जगह बना लेते हैं अपने एम्पलीफायर में, क्योंकि हमें भी इसे अपने एम्पलीफायर में फिट करना है। तो इसको भी हम यहाँ पर फिट कर लेंगे। और दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है एम्पलीफायर आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा ये बोर्ड है ब्रिज का, वो यहाँ पर हम इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर फिट होने के बाद दोस्तों सारा जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर अच्छी तरह फिट हो जाएंगे। उसके बाद तमाम की मैं वायरिंग भी बताऊँगा किस तरह वायरिंग करनी। तो सबसे पहले इसकी जगह बना लेते हैं। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने अपना वोल्टेज रेगुलेटर फिट कर लिया। उसके बाद अब ये काम करना, हमने इसकी वायरिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम तरतीब से वायरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे यहाँ पर बोर्ड पर जो है दोस्तों वॉल्यूम की जगह बनी हुई है, एक ये है, उसके बाद एक ये है, उसके बाद इसके नीचे भी एक ये है। तो ये तो दोस्तों ये जो हमारे चार वॉल्यूम हैं, इन चार वॉल्यूम की वाली जो वायरिंग है हमने डायरेक्ट इसके साथ कर देनी है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसकी वायरिंग, फिर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो है इसके साथ मुकम्मल जो है वायर कनेक्ट कर लिए। अब इन वायर को हमने अपने एम्पलीफायर के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ, MP3 के साथ कनेक्ट करना है। तो इन सारों को पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी मैंने कहाँ पर कनेक्ट की है। तो लीजिए दोस्तों, बात देख सकते हैं सारी जो है मैंने वॉल्यूम्स की जो है वायरिंग कर ली है। उसके बाद अभी ये काम कर, जो हीट श्रिंक है उसको हमने कर देना है जी श्रिंक। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह जो है हमारी हीट श्रिंक जो है श्रिंक हो चुकी है। उसके बाद ये काम करना, हमने अपने सर्किट की फिटिंग करनी है और हमारे जो है ब्रिज की, इसकी फिटिंग कर ली है। सबसे पहले हम ब्रिज की फिटिंग कर लेते हैं, फिर हम सर्किट की फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों अब मैं जो हूँ अपने ब्रिज के साथ जो ट्रांसफार्मर की हमारे 12 वोल्ट की वायर है जो एसी ट्रांसफार्मर से आ रही हैं, वो दोनों वायर जो हैं दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट की एसी की जो वायर हैं वो हमने डायरेक्ट अपने डायोड्स में देनी है। तो इसके लिए मैं जो हूँ बीच में वायर्स लगाऊँगा, तो कॉपर की वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके ज़रिए हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो लीजिए जी, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि अपनी जो इस हीट श्रिंक को मैंने इसके ऊपर और चढ़ा दिया, ताकि मैं इसको दोबारा जो है अच्छी तरह हीट कर दूँ, और उसके बाद जो हमारी हीट श्रिंक है इसके ऊपर अच्छी तरह टाइट हो जाए, कहीं से भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसके लिए
शॉर्ट, इसलिए दोस्तों शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए मैं इसके ऊपर अच्छी तरह हीट श्रिंक और चढ़ा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं तीन वायर जो हूँ और अपने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो कैपेसिटर हमारे दो बड़े लगे हुए हैं, ये तीनों के तीनों दोस्तों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं अब इन तीनों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं पॉजिटिव वोल्ट में वायर कनेक्ट करूँगा, तो ये हमारी पॉजिटिव वोल्ट की वायर लग चुकी है। उसके बाद मैं नेगेटिव वोल्ट की वायर लगाऊँगा, तो ये नेगेटिव वोल्ट की लग चुकी है। उसके बाद मैं ग्राउंड की वायर लगा दूँगा, और यही तीन सेम वायर मैं अपने जो है सर्किट के साथ कनेक्ट कर दूँगा जहाँ पर हमारे दो कैपेसिटर और लगे हुए हैं। तो ये लगा दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों अब इसको मैं कर लेता हूँ फिट, क्योंकि इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमने ये काम करना है, जो हमारी जो ब्रिज है इसके साथ हमारी जो बेस टून की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं 12 वोल्ट की, ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि इस जो हमारा ये जो छोटा कैपेसिटर है हमारे 12 वोल्ट सप्लाई का, उसके बाद जो बड़े कैपेसिटर है हमारे एम्पलीफायर की सप्लाई के, तो इन दोनों की जो ग्राउंड है दोस्तों वो मैं सेम कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो नॉइज़ होती है साउंड के अंदर हम होती है वो ना आए। तो मैं इसलिए जो ग्राउंड है उस सारों की एक जगह ही कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं अपने रेगुलेटर की कनेक्ट कर रहा हूँ अपने 12 वोल्ट सप्लाई के साथ, क्योंकि रेगुलेटर के ज़रिए ही हमने अपने जो MP3 है उसको चलाना है। तो दोस्तों अब जो ये हमारी तीन कैपेसिटर्स की वायर हैं, जो कि आ रही है पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड, तो इन तीनों को हमने अपने कैपेसिटर के इसके साथ ही कनेक्ट कर देना है। तो लीजिए जी, ये भी हमने कनेक्ट कर लिए हैं तीनों की तीनों वायर, आप देख सकते हैं। और अब ये काम करना है, हमने इसके इनपुट पर जो वायर हैं वो कनेक्ट कर लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर इनपुट पर वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमने राइट और लेफ्ट की वायर्स हैं ऑडियो आउट की जो हमारी आ रही हैं बेस टून से, वो हमने ऑडियो इन जो अपने एम्पलीफायर है उसमें दे दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट राइट लेफ्ट ग्राउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लगा दी है। तो उसके बाद ये काम करना है, अब ट्रांसफार्मर से दो तीन वायर जो है अपने इधर दे देनी है, जो कि हमारे सर्किट में, जिसके ज़रिए हमारे सर्किट के अंदर जो है पावर आ जाएगी, क्योंकि बगैर पावर तो हम इसको चला नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है अब हमने पावर वाली वायर्स कनेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पर स्पीकर की वायर्स भी साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इस एम्पलीफायर के बारे में बता दूं, आखिर इसकी वायरिंग किस ढंग से की गई है। तो अभी आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर जो है वॉल्यूम की वायर थी वो सबसे पहले हमने लगा ली है, जो वॉल्यूम में चली गई हैं सेम। उसके बाद बैलेंस की वायर थी वो हमने डायरेक्ट बैलेंस में लगा दी है। उसके बाद ट्रबल, उसके बाद जो बेस की वायर्स थी वो हमने डायरेक्ट बेस के वॉल्यूम में लगा दी है। उसके बाद जो ट्रबल की वायर्स थी वो ट्रबल में लगा दी है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ऑडियो आउट हो रही है, ऑडियो आउट हमने यहाँ पर जो है एम्पलीफायर की ऑडियो इन में दे दी है। उसके बाद जो MP3 से ऑडियो इनपुट है वो हमने अपनी जो बेस टून है उसके ऑडियो इन में दे दी। उसके बाद दो वायर्स ये हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट है, क्योंकि दोस्तों हमें इस बेस टून को 12 वोल्ट देना होता है, तो इसलिए दो वायर 12 वोल्ट की पॉजिटिव नेगेटिव इस कैपेसिटर पर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है AC वोल्टेज जो है वो DC में कन्वर्ट हो रहे हैं कैपेसिटर की वजह से, तो यहाँ पर 12 वोल्ट बन रहे हैं। और यहाँ से जो दो वायर्स है दोस्तों, ये डायरेक्ट हमारे डायोड्स में जा रही हैं 12 वोल्ट के डायोड्स में, जहाँ पर हमारे 12 वोल्ट बन रहे हैं। उसके बाद जो इन कैपेसिटर की जो सेम तीन वायर्स हैं, जो कि ग्राउंड, पॉजिटिव, नेगेटिव वोल्ट हैं, वो इन तीनों के साथ डायरेक्ट सेम कनेक्ट कर दी गई हैं। उसके बाद 200 ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रहे हैं 25x25 6 एम्पीयर, वो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है इसकी वोल्टेज इन वाली साइड पे 25x25 में। उसके बाद यहाँ से जो हमने दो वायर ली हैं इन कैपेसिटर से, नीचे से इन कैपेसिटर से जो हमने स्पीकर्स की वायर ली हैं वो यहाँ पर लगा दी है, यहाँ पर लगा दी पॉजिटिव में, एक ना यहाँ पर, और इन दोनों की जो दोस्तों ग्राउंड है वो सेम करके हमने ग्राउंड पे लगा दी है। तो अभी ये देख सकते हैं मुकम्मल जो एम्पलीफायर रेडी है, लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज़ रेडी नहीं है, वो ये है कि हमने इसको भी 12 वोल्ट देने हैं इस अपने
वोल्टेज रेगुलेटर को। तो सबसे पहले इसके साथ 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको चला के चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमने अपने वोल्टेज रेगुलेटर की वायरिंग कर ली अपने एम पी थ्री के साथ, तो आखिरी काम ये रहता है हमने अपने ट्रांसफार्मर के साथ ए सी लीड लगानी है। तो ये मेरे पास ए सी लीड है तो मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है एम्पलीफायर हमारा रेडी हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं कहीं भी कोई वायरिंग नज़र नहीं आ रही है, और सारी जो वायरिंग है बड़ी परफेक्टली अच्छी तरह फिट हो चुकी है। तो इस तरह आप इसको ही फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे टेस्ट करना है, टेस्ट करने से पहले हम इसके ऊपर नाप लगा लेते हैं ताकि ये फ्रंट इसका जो है खूबसूरत लगे। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म के तीनों अलग अलग डिज़ाइन की नाप लगा रहा हूँ, उसके बाद एक बड़ी नाप लगा रहा हूँ ताकि वो हमारी वॉल्यूम के तौर पे काम करें। तो भैया आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह जो है हमने इसके साथ लगा ली है। तो अटैच करते हैं इसके साथ स्पीकर और टेस्ट करते हैं अपनी इस मुकम्मल एम्पलीफायर को। तो लीजिए जी भैया आप देख सकते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है कम्प्लीट रेडी हो चुका है। तो अब हमने ये काम करना है अपने एम्पलीफायर को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो काम कर रहा हूँ अपनी ब्लूटूथ को ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो ब्लूटूथ है दोस्तों वो कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हमने ये काम करा, इसके अंदर लगाना है कोई सॉन्ग को क्लिक करते हैं जी प्ले। तो सबसे पहले बेस टेस्ट कर लेते हैं इसकी। बेस मैंने कर दिया जी जीरो, मैं बढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों ये था जी बेस टेस्ट, उसके बाद करते हैं जी वैसे म्यूजिक टेस्ट। तो दोस्तों देख लिया आपने हमारा जो एम्पलीफायर है बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो आपने देख लिया कि किस तरह हमने इसको बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट वही चीज़ें लगी है जो हमने इसके अंदर लगाई थी। तो मुकम्मल जो है दोस्तों ओरिजिनल 200 वाट का एम्पलीफायर मुकम्मल रेडी है। मुकम्मल इसके ऊपर जितना मर्जी आप 200 वाट का लोड डालें, मैक्सिमम 200 वाट का लोड से ज़्यादा अगर डालें तो 300 वाट तक का तो फिर भी ये लोड बर्दाश्त कर लेगा। उसके बाद हमने दो एक्स्ट्रा कैपेसिटर्स भी लगाए हैं कि कहीं भी हमारी जो है आवाज़ जो है वो बैठे नहीं, तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कैपेसिटर इसलिए लगाए गए हैं।
तो आपने देख लिया किस तरह इसकी वायरिंग की गई है, किस तरह मुकम्मल एम्पलीफायर बनाया गया है। तो मुकम्मल जो एम्पलीफायर की जो वीडियो है आपने, अगर तो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो इसी तरह दोस्तों मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।